नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। डिब्रूगढ़ के कई क्षेत्र में हिंदी भाषियों के ऊपर किए गए हमला तो उनके घर द्वार जलाए जाने के विरोध में तथा एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में क्षेत्र के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे हिंदी भाषी समन्वय मंच बराक हिंदी साहित्य समिति व कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया। करीब 6 संगठन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह धरना कार्यसूची आयोजित किया गया। लोगों ने करीब 3 घंटे तक इस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करते हुए कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को संदर्भ स्मारक लिपि प्रदान किया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। इसी दौरान सूत्र के अनुसार डिब्रूगढ़ क्षेत्र में हुए हादसे के चलते एक व्यक्ति की मौत होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। डिब्रूगढ़ पुलिस मामले की छानबीन के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को कानूनी हिरासत में ले लिया गया है। इधर जल्द से जल्द हिंदी भाषियों के साथ कई और क्षेत्र में हो रहे अनैतिक गतिविधियों के रोकथाम व कई मांगों को लेकर वक्ताओं ने सीजर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे अपने आवाज को बुलंद किया और जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि भी प्रदान की। हर इलाके के हर परिवार में जिसका जो प्रॉब्लम हुआ है उनको देने के जो मांग रखे हम लोग ये मांग होंगे और पूरी घटना की पूरी अच्छी तरीके से तराजू किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यही मैं अपनी तरफ से मांग अपने पूरी संगठन की तरफ से मांग रखती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। डिब्रूगढ़ के ग्वाला बस्ती के लोगों को न्याय दो, हमलाकारियों को गिरफ्तार करो, हमलाकारियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को दंडित करो, दोषियों को दंडित करो, पीड़ितों को मुआवजा दो, पीड़ितों को मुआवजा दो। ज्यादातर घटना जहाँ जहाँ पर घटनाएं घटते हैं ज्यादातर घटनाएं हमारे हिंदी भाषी लोगों पर, हमारे टी गार्डन लोगों पर और गरीब गरीब जनता पर ही क्यों होता है और उनका कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। आज तो प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बोलते हैं, हर जिला में हर क्षेत्र में हर घर में चौकीदार है, अभी फिर भी क्यों ये सब घटनाएं घट रहे हैं। हम यही समझ नहीं पाते हैं कि हमारे हिंदी भाषी लोग जो है इन लोगों पर जो अत्याचार होते हैं इनके विरोध में हम लोग काफी आंदोलन करते हैं, काफी मेमोरेंडम देते हैं, इन पर भी कोई एक्शन नहीं होता। सरकार और प्रशासन जो भी करते हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जो उनकी दलाली करते हैं, जो उनके पास की लीडर है उन लोगों के लिए करते हैं। इसके कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूँ। वो लोग ग्वाला बस्ती डिब्रूगढ़ में जो घटना हुआ है, गाय पालते थे, आप लोग बताइए मेरे प्रेस के मित्रों, आप लोग सशस्त्र स्तंभ है, आप लोग को माध्यम से ये सूचित हम लोग को जारी हुआ। अब एक ही चारा बचा है भारतवर्ष में, जो सशस्त्र स्तंभ है आने जो भारतवर्ष में हिंदी भाषी के ऊपर आसाम में नहीं और सारी घटना हुई है। और अभी ये चेतावनी देना चाहते हैं हिंदी भाषी संगठन के माध्यम से, हार्दिक तरह से अभिनंदन देता हूँ कि इस तरह से आने वाले जुलूम को रुकने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा। आसाम नहीं सही, भारत वर्ष हिंदी का राष्ट्रभाषा है और इस भारत वर्ष में हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है। एक व्यक्ति जो अभी मेरा बड़े भैया अजय सिंह ने बताया, उनका मृत्यु ही कोई भी वहां का विधायक हो सांसद हो जगह पर पहुंचा नहीं। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे नॉन हिंदी भाषी हो, चाहे कोई मार हो दिमाशा हो, कोई भी हो, अन्याय तो अन्याय होता है और अन्याय का एक ही बात होता है, प्रतिवाद हमें करना पड़ेगा। एक मनुष्य के हिसाब से अपना समाज को बचाना है, अपने जाति को बचाना है तो हमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा। दोस्तों मैं बधाई देता हूँ कि आज हिंदी भाषी संगठनों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया, कम से कम सीएम लेवल तक हम जा रहे हैं। अगर यहाँ तक काम नहीं हुआ हम दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ से आवाज देंगे दिल्ली का तकिया तक हमको हिलाना पड़ेगा, हर एक कुर्सी हमको हिलाना पड़ेगा ताकि जानना पड़ेगा, एक दिखाना पड़ेगा कि यहाँ भी कुछ लोग हैं। अगर आप वहाँ अपना मकसद पर बैठ के अपना मनमानी करेंगे तो मनमानी हम नहीं मानेंगे। तकिया में आपको बैठाया कौन, गद्दा आपको दिया कौन, ये रास्ते में बैठ कर जो चिल्लाने वाले ये प्रतिवाद करने वाले आप लोग को बैठाया है। अगर आप लोग ये कर नहीं सकते, दे नहीं सकते तो आपको हटाना भी सकता है।
ये बात आपको सोचना पड़ेगा। हम हमारा हक मांगते नहीं, भीख मांगते, हमें हमारा हक देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो कैसे छीनना पड़ेगा, ये भी हम युवाओं में अच्छी तरह से जानते हैं।